इन दिनों शाहरुख खान की फिल्म पठान की खूब चर्चा हो रही है। फिल्म रिलीज होने से पहले विवाद हुआ और अब फिल्म के रिलीज होने के बाद इसकी कमाई की चर्चा हो रही है। यशराज फिल्म का दावा है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में पठान सबसे तेज इतनी ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। 5 दिन में कितनी कमाई कर चुकी है पठान, क्या है नया रिकॉर्ड, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान हर दिन कमाई का नया रिकॉर्ड बना रही है। यशराज फिल्म्स के मुताबिक पठान ने 5 दिन में पूरी दुनिया में 543 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसमें से भारत में लगभग 335 करोड़ रुपए और भारत से बाहर 208 करोड़ रुपए कमाए हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हुई थी, तब से अब तक ये अच्छी कमाई रही है। पठान ने पहले दिन इंडिया में करीब 57 करोड़ रुपए की कमाई की और इंडिया से बाहर 49 करोड़ कमाए। इस तरह वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो पहले दिन 106 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे दिन पठान ने भारत में 82 करोड़ की कमाई की, जबकि भारत से बाहर 68 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड 113 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म ने तीसरे दिन तक इंडिया में 201 करोड़ और विदेश में 112 करोड़ रुपए कमाए। इस तरह 3 दिन की कुल कमाई 313 करोड़ रुपए रही। पठान ने 4 दिन में पूरी दुनिया में लगभग 429 करोड़ रुपए कमाई की। भारत में ये कमाई 265 करोड़ और भारत से बाहर चौथे दिन तक कमाई 164 करोड़ रुपए रही। 4 दिन के आंकड़े के बाद पठान फिल्म के प्रोड्यूसर्स का दावा है कि पठान दुनिया में इतने तेजी से 400 करोड़ रुपए कमाने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। पठान से शाहरुख ने 4 साल बाद पर्दे पे वापसी की। फिल्म में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहिम भी अहम रोल में है। दरअसल पठान फिल्म रिलीज होने से पहले से ही विवाद शुरू हो गया था। जब उसका गाना बेशर्म रंग रिलीज हुआ तो शाहरुख खान के हरे रंग की शर्ट और दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी के रंग को लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसलिए गाने में कुछ बदलाव किए जाए, जिसके बाद फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता गया। हालांकि रिलीज के दौरान कई जगह छुटपुट बवाल हुआ, लेकिन जो भी हो कमाई के मामले में फिल्म कमाल करती नजर आ रही है। ये विवाद कहीं ना कहीं फिल्म को काफी हद तक हाइप दे गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मिस्टक।